बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम सिक्स बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज हमारा उर्दू ए का दिन है। आज हम सबक नंबर 4 मलका कोहसार मरी ये करेंगे। जिस तरह आपको पता है कि सबसे पहले इसमें हमने अल्फाज मायने करने हैं, इसकी रीडिंग करनी है। अब मजबूरी यहाँ ये पूरी रीडिंग आपको घर में करनी पड़ेगी। इसके बाद अल्फाज मायने कुछ ये ऊपर दिए हुए हैं और कुछ एंड में होते हैं, जो सफ़ा नंबर इस टाइम आपके तकरीबन 138 पे है। यहाँ से आपने सारे अल्फाज मायने अच्छी तरह से याद करने हैं, कॉपी में लिखने हैं, इसकी रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद इसमें से एक पैराग्राफ भी सलीस का होता है और इसके आज हम सवाल जवाब करते हैं। पहले 4 सवाल हम करेंगे। पहला सवाल है, मरी में किन महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है? इसका जवाब सफ़ा नंबर 16 पे आएँ। 16 पे ऊपर से पेज नंबर जो 16 की 1, 2, 3, 4 लाइनें छोड़ के 5वीं लाइन में दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है। यहाँ तक इसका जवाब हो जाएगा। दूसरा, रावलपिंडी से कितनी मसाफत पर वाकया है? इसका भी जवाब सफ़ा नंबर 16 पे आ जाएं। पहली लाइन में रावलपिंडी के शुमाल मशरिक में गाड़ी तकरीबन 1-1.5 घंटा की मसाफत पर वाकया है। यहाँ तक। तीसरा सवाल है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग कब मरी का रुख करते हैं? इसका जवाब सफ़ा नंबर 17 पे आएँ। पहली लाइन में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले गर्मी पड़ते ही मरी का रुख करते हैं। यहाँ तक। चौथा सवाल है, मरी समंदर की सतह से कितनी बुलंदी पर वाकया है? इसका जवाब सफ़ा नंबर 16 पे आएँ। 16 पे जब आप आ गए तो इसका जवाब ये ऊपर से तीसरी लाइन में, समंदर की सतह से इसे तफ़ा मकाम की बुलंदी तकरीबन 7,500 फिट है। यहाँ तक। ये 4 सवाल आज आपने इसे करने हैं, कॉपी पे लिखने हैं। आपने मलका कोसार मरी कॉपी पे लिखना है। पहले मुश्किल अल्फाज के मायने याद करने, उस पर लिखने, फिर ये 4 सवाल। बकाया इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।